जैसे आपने देखा अभी फ्रेंड की ज्ञान व्यापी मस्जिद पे काफ़ी अभी मामला हलचल है और काफ़ी माहौल एकदम गर्मा गर्म है। आज बनारस के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में सुनवाई होने जा रहा है, जो कि बताया जा रहा है कि फाइनल सुनवाई है। उसी बीच में कुतुब मीनार पे एकदम जो विवाद है वो काफ़ी हलचल हो गया है और ये मत हिंदू पक्ष का ये कहना है कि यहाँ पे हिंदू देवी देवता का साक्ष्य मिला है। साथ ही साथ मुसलमान पक्ष का कहना है कि यहाँ पे मस्जिद में अजान नहीं किया जा रहा है क्योंकि 13 मई से ही अजान पे यहाँ पे रोक लगा दिया गया है, जो हिंदू पक्ष के नेता है वो। साथ ही साथ इसका जो सुनवाई है साकेत कोर्ट में, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, वहाँ पे जो केस है वो फाइल किया गया है और जो भी अपडेट आएगा हम आपको बताते रहेंगे। अभी मैं दिल्ली के कुतुब मीनार में खड़ा हूँ यहाँ पे और सुबह से यहाँ पे काफ़ी जो न्यूज में काफ़ी ये विवाद जोर शोर से चल रहा है और हिंदू पक्ष का कहना है कि जो भी देवी और देवता का यहाँ पे साक्ष्य मिला है और उसको मतलब प्रमाणित किया जाए, उसका जांच किया जाए। और बताया जा रहा है कि कुतुब मीनार के अंदर यहाँ पे हनुमान मंदिर था और उसको तोड़ के एक कुतुब मीनार बनाया गया था। कुतुब मीनार का ऊंचाई लगभग 238 फीट लंबा है और यहाँ पे 1198 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया था, जो कि बताया जा रहा है कि यहाँ पे मंदिर को तोड़ के बनाया गया था और यहाँ पे हनुमान जी का मंदिर था नीचे, वो साक्ष्य भी मिला है जो हिंदू का कहना है। तो हम आइए किसी लोग से, कुछ लोग से बात करेंगे जो आपको देखने को मिलेगा और जो भी अपडेट होगा कुतुब मीनार के ऊपर वो आपको मिलता रहेगा। आप देख रहे हैं नंबर वन इंडिया, दिल्ली से लाइव कुतुब मीनार। जो अभी विवाद चल रहा है ज्ञान व्यापी मस्जिद पे, आज सुनवाई है, फाइनल सुनवाई है बनारस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में और वहीं पे आप देखोगे कि कुतुब मीनार में भी जो हलचल है वो तेज हो गया है। यहीं से मैं अभी रिपोर्टिंग कर रहा हूँ और आपको देखने को ये मिलेगा कि यहाँ पे भी बताया जा रहा है हिंदू देवी देवता का साक्ष्य मिला है और हिंदू है जो पूजा करना चाह रहा है, जबकि मुस्लिम पक्ष के लोग हैं वो चाह रहा है कि मैं यहाँ पे नमाज अदा करूँ, लेकिन नमाज पे 13 मई से ही रोक लगा दिया गया है। ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ आप लोगों को और ये देखिए मैं अभी एकदम पास से रिपोर्टिंग कर रहा हूँ, आई थिंक आप लोगों को अच्छा लगेगा और आपको देखने को भी मिल सकता है। प्लीज़ वीडियो पे अभी नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना मेरे चैनल को और एक लाइक ज़रूर कर देना अपने फ्रेंड के लिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू फ्रेंड।